हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे इस ब्लॉग चैनल में। तो दोस्तों, कई दिनों से मैं वीडियो नहीं छोड़ रहा था, कुछ परेशानी था इसी वजह से। तो दोस्तों, आज मैं फिर से वीडियो बनाना रिकॉर्ड करना चालू कर दिया हूं। दोस्तों देख सकते हैं, और हमारे घर का बाउंड्री जो है, जिसको वो कहते हैं हमारे भाषा में बदार, वो टूट फूट गया है। तो अभी हम लोग बदार को घेरने का काम चालू कर दिए हैं। साल में एक बार कितना भी अच्छे तरीके से घेर दिया जाए। देख सकते हैं कितना भी अच्छे तरीके से इसको घेर दिया जाए, ये क्या है, साल में एक बार इसको बनाना पड़ता है। तो अब की बार हम लोगों ने सोचा है कि ये वाला, ये जो बाउंड्री आ रहा है, ये दरवाजे के पास से वाला बाउंड्री आ रहा है ना, तो इस बाउंड्री को हम लोग यहाँ से तो वहाँ तक सीधा लेकर के जाएंगे। वहाँ से वहाँ पेड़ लगा हुआ है, उसको वहाँ से ऐसे घुमा देंगे, और ये जो बाउंड्री किया हुआ है इसको हम लोग क्लियर कर देंगे, ताकि इधर पूरा इतना पेड़ पौधा हो गया है कि छाँव हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ साफ सुथरा करके ये हम लोग का बाड़ी हो जाएगा, जहाँ हम लोग खटिया उठिया बिछा के काम कर सकते हैं। इसलिए अभी हम लोग पदार को, मतलब तो बाउंड्री को यहाँ हम लोग बढ़ाएंगे, उसी का काम अभी चालू है। अब देख सकते हैं, उसके लिए लकड़ियों का जरूरत पड़ेगा और कुछ खूंटा का भी जरूरत पड़ेगा। तो हम लोग सब मिल करके, साथ में मेरा बेटा सामान भी आया हुआ है, वो रहा सामान भी लकड़ी काट रहा है, और मैं भी जा रहा हूँ। लकड़ी उतना तो काट चुका, अभी और कुछ काटना बाकी है। तो इस तरीके से लकड़ी हम लोग काटते हैं, काट के पहले अभी काट के रख लेंगे, ताकि इसमें हरा हरा जो पत्ता दिखाई दे रहा है, ये सूख के झड़ जाएगा, तो कल या परसों में इसको घेरने का काम चालू करेंगे। तो वीडियो में कंटिन्यू रहिएगा, और मैं उसके बाद जैसे जैसा होगा मैं आप लोगों को दिखाता जाऊंगा। दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ बहुत सारा जंगल जैसा हुआ पड़ा था, सबको हम लोग काट दिए हैं मिल करके, बच्चे लोग भी साथ दिए हैं आज काटने में है। ये रहा, ये हम लोग का दीवार का प्लास्टर इधर से बाकी है, प्लास्टर नहीं हुआ है, पीछे का दीवार हो चुका है। ये देख सकते हैं, पीछे का दीवार का प्लास्टर हो चुका है। तो अब देख सकते हैं, अनस भी आ गया है हम लोग का हेल्प करने के लिए, लेकिन अगदस बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है काटने में, और सफाई हो चुका है, और ये पत्ता झड़ने के बाद ही फिर हम लोग इसको घिराई का काम चालू करेंगे। सामान भी बहुत लगा हुआ है, कटारी पकड़ा हुआ है, होशियारी से काट रहा है। देख सकते हैं, आज हम लोग काम करते करते बेगला हमारा घट गया था, तो लकड़ी काटने के लिए जंगल के तरफ आए हुए हैं, और ये रहा हम लोग का जंगल तरफ जाने का रास्ता। अभी हम लोग यहाँ से लकड़ी काट के आ रहे हैं। ये रहा हमारे पास टांगी है, और हम लोग दोनों काट के हम लोग जा रहे हैं, चलो घर के तरफ। इतना मेहनत करने के बाद जाके अपना अभी झंगाटी का बाउंड्री तैयार होगा, जिसको हम लोग अपने भाषा में बदार बोलते हैं। ये रहा कुल्हाड़ी, और ये रहा कातो, इसको इसके ज़रिए से हम लोगों ने अभी लकड़ियाँ काट के लेके जा रहे हैं। अभी हम लोग घर के पास का पहाड़ी में पहुंच गए हैं, चढ़ाई है यहाँ पे, चढ़ने में थक गई क्या,
चलो, बहुत दूर से। और यहाँ से अपना घर दिखाई दे रहा है। चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कहाँ तक मेरा काम खींचा है। कल हमने बहुत कचरा हो रहा था तो यहाँ आग लगा दिया था साफ करने के लिए। ये दोस्तों देख सकते हैं, ये रहा हमारा बाउंड्री। ये रहा वहाँ से मिलाते हुए यहाँ ये पूरा हो चुका है, वहाँ तक वो कोना तक चले गया है। अब खाली वो थोड़ा सा बाकी रह गया, वहाँ से लेके दीवार में मिला देना है। वो वहाँ से वो दीवार में वहाँ पर मिला देना है और वहाँ एक गेट बना देंगे। उस जगह पे एक गेट बना दिया जाएगा जहाँ से हम उधर का एरिया साफ सुथरा कर सकें। आप देख सकते हैं ये बाउंड्री, जाली, पहले जाली मार दिए, जाली मारने के बाद ऊपर से लकड़ियों को साट दिया गया है। देख सकते हैं आम के पेड़ में फूल भी हुआ है। ठीक है दोस्तों, कंटिन्यू रहिएगा हमारे वीडियो में। फिर रस्सी मार दे दिए, मतलब गड्ढा खोदे दिख रहे, रस्सी पकड़े है ना सादा वाला। आप देख सकते हैं यहाँ पर ही अभी काम शुरू हो गया है। देखो तो मैं वीडियो बना रहा हूँ दादा, फूल मुझे जा रहा आपका बल में दादा, फूल आ रहा। तो देख सकते हैं इस तरीके से जो अभी दिखाया बच्चों ने वीडियो करके, इस तरीके से हम लोग गांव में देहाती स्टाइल का बाउंड्री करते हैं। जाली मार दिए, जाली के ऊपर से फिर झंगाटी दे दिए। अभी थोड़ा सा और इधर बाकी रह गया, इसी तरह से साटा जाता है झंगाटी को। इस तरीके से काम किया जाता है, देख सकते हैं। ये देखो ये अभी फंस गया है, रस्ते मान लीजिए, रस्ते मान लीजिए। दो Thank you.
दिखा इधर 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 नीचे इस तरीके गेट काट दे गेट में नहीं गोल बस मस्त होगा ना। बहुत मस्त होगा। क्या हुआ जी अस्कतारे थोड़ी ना है जी हाई आ रहा तो क्या करें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस तरीके से बैगना का पहाड़ बांधा जाता है और ये रहा बन के रेडी है ठीक है। और ये रहा हम लोग गेट है यहाँ गेट को अभी टाइट कर देंगे दबा दें तो हो जाएगा ओके। यहाँ से मैं दिखा दूँ ये रहा हम लोग का पहाड़ तो यहाँ तक था ये बाउंड्री थी अभी ये वाला उन्होंने हमने घेरा यहाँ मिला दिया और वो कोना से लेकर के देख रहे वहाँ से लेकर के साग सब्जी लगाने और लगाने का इंतजाम करेंगे जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा। आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि कितना गंदगी है यहाँ साफ सफाई करना होगा ये घर बनाने के टाइम में गिट्टी वगैरह यहाँ छिटा हुआ है सबको इकट्ठा करना है उधर भी छोटा गिट्टी है घर जमीन ढलाई का उसको भी एक जगह जमा कर देना है कुछ बाउंड्री के अंदर है कुछ बाउंड्री के बाहर है ठीक है। और उसके बाद साफ सफाई करके यहाँ मिट्टी एक ट्रैक्टर मिट्टी डालना होगा तब जाके यहाँ सब सब्जियाँ उग पाएगा क्योंकि यहाँ मरु मिट्टी भरा हुआ है। अब ये जो देख रहे हैं ये झंगाटी इसको यहाँ घेरने का काम मैं अभी थोड़ी देर के बाद अभी नाश्ता करने जा रहा हूँ नाश्ता करके भूख भी लग गया तो नाश्ता करने के बाद इसको यहाँ चिपका देना है तो बाउंड्री हमारा कम्प्लीट हो जाएगा इधर का। आज हम लोग का बाउंड्री देख सकते हैं बन के रेडी हो गया है और सामान भी हम लोग का मदरसा से आज आ गया है और इधर गिट्टी हम लोग का पड़ा हुआ है तो गिट्टी को इकट्ठा कर रहा है इकट्ठा करके और यहाँ बाउंड्री के इस पार फेंक देगा नहीं तो वहाँ पर बर्बाद हो रहा था। और ये अनस है और अकदस दोनों काजू का पौधा हुआ है उसको यहाँ ट्रांसप्लांट करने वाले हैं यहाँ वहाँ गमले में लगा के रखा गया है तोला देके तो 2 फुट के करीब हो चुका है। अब यहाँ इस गड्ढे में काजू का पौधा ला करके लगा दिया जाएगा तो ये लोग भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं देख सकते हैं। हम लोग का झंगाटी का बाउंड्री तैयार हो गया है और वहाँ गेट अभी फिलहाल टेम्प्रेरी रख दिए हैं वहाँ गेट लगा दिया जाएगा तो हो जाएगा ओके। फिर बहुत मेहनत है यहाँ पर ये तो देख रहे हैं आप लोग कि यहाँ काफ़ी घास उस था तो कुछ में आग लगा दिए और बाकी कचरा है साफ करने में अभी बहुत समय लगेगा और अभी सूखा ज़मीन है अभी तो नहीं करेंगे मार्च के महीने में जब बारिश वरिश होगा उसके बाद मिट्टी थोड़ा गीला होने के बाद हम लोग यहाँ कुछ मेहनत करने से लगेगा यहाँ का। और ये रहा एक आम का पेड़ है कलमी जो ये खुला जगह में था तो बकरी क्या है नोच देती थी यानी कि बकरी का दांत गड़ा हुआ है इसी के वजह से ये पूरा हो नहीं पा रहा था। अब इसको बहुत ही इंतजाम से इसका खाद देने के बाद देखते हैं कि ये आगे बढ़ पाता है कि नहीं अभी इसका इलाज करना होगा इसको खाद दवाई देने के बाद इलाज होने के बाद शायद ये तंदुरुस्त हो जाए। वो सामने दिख रहा है हमारा पुराना पेड़ वो भी कलमी है उसमें फूल भी पकड़ा हुआ है ठीक है। अभी थोड़ा सा काम बाकी रह गया है
गेट का, तो अभी वहाँ का देख सकते हैं। यहाँ तो बहुत जंगल था जिस दिन हम लोग काम में लगे थे, अभी काट करके सब इसमें चिपकाना पड़ा। और अभी जो है वो जो दिख रहा थोड़ा सा, आज उसको क्लियर कर देते हैं। और बाकी बचा जो कचरा था यहाँ पे डाल करके आग लगा दिया गया। और ये भी प्लॉट अपना ही है, इसको तो मैं अपना हथियार ले चुका हूँ और इसको लेकर के जा रहा हूँ अभी वो सामने का झंगाटी को काटने के लिए। जो थोड़ा बहुत बचा हुआ काम है वो पूरा हो जाएगा और जगह अपना क्लियर हो जाएगा। ये यहाँ पे बुनियाद दिया हुआ है पत्थर का, इसमें रूम का नक्शा बना हुआ है, ये भी अब हमारे ही प्लॉट है, ठीक है। और हम लोग की मुर्गी देखिए उधर चल रही है। और वो रहा एक मकान बना हुआ है, वो चांद का है। तो अभी मैं फिर से आ गया हूँ, ये सामने का थोड़ा सा झंगाटी रह गया है जो हुआ है। और एक नीम का पेड़ भी है, इसको तो नहीं काटूंगा, इसको बढ़ने दे दिया। ये रहा काफी बड़ा मेरे पीछे जो दिख रहा है नीम। हाँ हाँ आ रहे हैं। और ये जो झंगाटी है इसको फुटुस बोलते हैं, इसी का झंगाटी काट करके उधर भी लगाया गया है। इसको काट देंगे और देखते हैं क्या काम में आता है फिर, और देखना भी कुछ रहता है इसमें, उससे कुछ काम किया जाएगा। ये हो गया हम लोग का घर का पीछे का हिस्सा, देखते हैं ये। और हम लोग का बाउंड्री जो है, ये जो घेरा हुआ है इसी के सीधे पे हम लोग का दीवार से 3-3.5 फुट का दूरी है। और ये होता हुआ ऐसे इधर से सीधा जाएगा और वहाँ से करके ऐसे करके घूम के वहाँ मिला दिया जाएगा। अभी लकड़ी का कमी है इसी वजह से नहीं किए हैं, बरसात में क्या है बिगना काट देने से बिगना जी जाता है। उसी सिद्धांत पे, उसी बदाड़ के सिद्धांत पे लेकर के आएंगे और पूरी करते हैं अपना। देख सकते हैं गांव में किस तरीके से बाउंड्री किया जाता है। और अभी हम जा रहे हैं काटने के लिए लकड़ी। अभी थोड़ी देर पहले आप लोग देखे कि ये जगह क्या था, यहाँ पर पूरा फुटुस का झगाड़ था, सबको काट के साफ सुथरा कर दिया गया। और इस बार का बरसात जब चालू होगा तो अपना एरिया जो है वहाँ से दीवार के पास से जो दिख रहा है उसको भी पूरा बाउंड्री ऐसे करके ला करके यहाँ इसको मिला दिया जाएगा। अभी झंगाड़ी और पदाड़ का भी बैगना का भी कमी है, अभी ऐसे भी जिंदा नहीं होगा, ऐसे बरसात के टाइम में जिंदा होता है, दूर दूर में एक लगा देने से एकदम क्लीन हो के जाएगा। और अभी हम लोग यहाँ का दरवाज़ा के लिए अभी 5-40 दिए हैं, लेकिन दरवाज़ा जो सोच रहे बनाने जा रहे हैं, अभी देख रहे हैं दरवाज़ा बना करके यहाँ लगा दिया जाएगा तो हो जाएगा। ये हम लोग का इधर से आने का रास्ता, फिर ये वाला बाउंड्री को हटा देंगे जब कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर अभी फ़िलहाल हम लोग का रास्ता यहाँ से उधर जाने के लिए यहाँ से दिया गया है, यहाँ से तोड़ दिया है, यहाँ से हम लोग इन करते हैं, फिर अपना इधर जा रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग गेट बना रहे हैं दरवाज़ा बाउंड्री का, एकदम सस्ता सुविधा देहाती स्टाइल में जा रहे बनाने के लिए।
दोस्तों आज हम लोग का बाउंड्री का गेट बन के रेडी हो गया और बाउंड्री भी देख सकते हैं पूरा कंप्लीट। ये कोना से वो कोना दिखाई दे रहा होगा आपको, जाली मारा हुआ है और झंगाटी से घेरा हुआ है। पूरा बाउंड्री हो चुका है और काफ़ी दिन लग गया है इस बाउंड्री को करने में और साफ सफाई देख सकते हैं वहाँ पत्थर वगैरह था, अब सफाई भी हुआ और इधर साग सब्जी के लिए मिट्टी भी बना के रख दिए हैं और थोड़ा गोबर चाहिए क्योंकि थोड़ा खाद का ज़रूरत पड़ रहा है, ठीक है। और इधर पेड़ पौधा भी लगा दिए देख सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा पेड़ में आम का फूल भी काफ़ी हुआ है इस बार देख सकते हैं। ये हम लोग का पुराना बाउंड्री अभी फिलहाल के लिए वहाँ एक पेड़ भी है, अभी इसको पूरा हटाया नहीं गया है। जब ये पता चलेगा कि कन्फर्म हो जाए कि ये मजबूत हो गया है बाउंड्री तब इसको हटा दिया जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं ये हम लोग अपने हाथों से तैयार किए हैं देहाती स्टाइल में बिना पीना पीट करके। ये गेट बन गया यहाँ छोटा सा ताकि यहाँ से हम दरवाज़ा खोल के उधर जा सकें। और ये रहा तो पहले दिन में जब काम लगाए यहाँ काफ़ी जंगल जैसा हालत होता है यहाँ का है, जो काट के क्लियर कर दिए। और ये बोलो अकदास, अरे वीडियो बना रहे हैं हम लोग का फाइनल वीडियो। देखिए ये बच्चा भी पहले दिन में बहुत मेहनत किया, काटने में मेरा बहुत मदद किया उधर का। आज तो सामान नहीं है मदरसे में है, मगर ये आ गया देखते हुए। और कितना मेहनत किया हम लोग, ये रहा बहुत साफ सफाई करना पड़ा देख सकते हैं पहले वीडियो में देखिए और अभी अंतिम वीडियो में देखिए कि कितना साफ सफाई करना पड़ा। और ये रहा ये करी पत्ता का पौधा है, यहाँ ला कर ट्रांसप्लांट किया गया जो कि बगल वाला उधर वाला बाड़ी में था पहले। और ये रहा ये थोड़ा बड़ा साइज का करी पत्ता है, इसको भी ट्रांसप्लांट किए हैं यहाँ पर ला। ये पपीता का पेड़ है जो काफ़ी बड़ा हो चुका था पर इसको कम से कम 3 फुट का गड्ढा करके इसको यहाँ ला करके लगा दिए। ये भी एक पपीता का है, यहाँ अमरूद का है, ये भी अमरूद है, ये भी देख सकते हैं अमरूद है, ये तो जड़ पकड़ चुका है, एक हफ्ता हुआ इसको लगा के। ये भी पपीता का पौधा है, ये भी जड़ पकड़ा हुआ है देख सकते हैं, बेहतरीन पुनग रहा है ऊपर से। और ये इसके नीचे भी एक पपीता का है जो मुर्गी से बचाने के लिए ढक के रखा गया है। और ये दो जो लगाए थे काजू का, ये पता नहीं क्या पोजीशन में है, उम्मीद कम लग रहा है कि ये काजू हो पाएगा क्योंकि इसका पत्ता सब झड़ चुका है, शायद इसका ट्रांसप्लांट किया इसको मिट्टी सूट नहीं कर पाया। तो आप देख सकते हैं और यहाँ गुल बना करके रखा हुआ है और ये मिट्टी बना करके रखे हैं यहाँ पर, जितना यहाँ पत्थर वगैरह था सबको उठा करके एक जगह में यहाँ सोना में जमा कर दिया गया और इस मिट्टी को बना दिया गया है। मिट्टी का ढेर था यहाँ पे, इसको बेता मार मार के फैलाया गया, मिट्टी को पूरा ढीला कर दिया गया है। यहाँ पे हम लोग सोच रहे हैं यहाँ 3-4 क्यारी साग सब्जी लगा दिया जाए, हरा साग पालक चौलाई 3-4 क्यारी निकाल के। तो इसमें अभी हम लोगों को और भी खाद का ज़रूरत पड़ेगा, यहाँ अभी कम से कम 2-3 बोरा खाद सूखा हुआ गोबर का इंतज़ाम करना होगा तो ये कम्प्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों इतना काम करने में हमको कम से कम 20 दिन लग गया, उधर जब छुट्टी था जनवरी का तो 11 जनवरी से लगे थे 3-4-5 दिन कंटिन्यू काम किए जो ये बाउंड्री हुआ, उसके बाद थोड़ा थोड़ा जब करते थे तो ये काम करते देख सकते हैं। पहला स्टार्टिंग में क्या हालत था इस जगह का
और अभी देख सकते हैं क्या हालत है। ये रहा, रोज सुबह उठ करके मेहनत करना पड़ता है। और ये एलोवेरा लगाने की तैयारी कर रहा है, दो एलोवेरा का पौधा उधर रखा, तो एलोवेरा को यहाँ ला करके सेट करेगा। ये गलत जगह में कर रहा है, यहाँ सीध लगेगा, ये आम के नीचे है, दूसरे जगह करना होगा। तो ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करें। अगर चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, और इसके बाद मैं दिखाऊंगा यहाँ कैसे साग सब्जी लगाया जाता है, चारा कैसे छींटा जाता है और कितने दिन में ये उगता है।